दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ। कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। हम सब जीवन में सफलता चाहते हैं, हम सब जीवन में प्रसन्नता चाहते हैं, हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन कई बार हमको आलस्य घेर लेती है, या हम उस काम के लिए जो प्रतिबद्धता होनी चाहिए, जो मेहनत हमको लगानी है, हम उसमें अनियमित हो जाते हैं। आज की कहानी गौतम बुद्ध के उपदेश से ली गई है, और वह भी जीवंत उपदेश जो उन्होंने एक किसान को दिया। अगर इस उपदेश के सार को हमने अपने जीवन पे सारभूत किया, उसके तत्व को अपने जीवन में शामिल किया, क्योंकि कई बार हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, कोई अच्छी कहानी सुनते हैं, कई लोगों के या कोई गुरु मिलते हैं, उनकी वाणी से हम कुछ सीख लेते हैं, कुछ देर की प्रेरणा लेकर हम काम तो करते हैं, लेकिन अपने कम्फर्ट जोन में रहने के कारण, अपनी पुरानी आदतों के कारण हम उन सीखों से अपना मुख मोड़ लेते हैं। अगर आज आपने इस कहानी के सार को अपने भीतर धारण किया, तो यह बिल्कुल पक्की बात है कि आज से आपका आलस्य खत्म हो जाएगा, और जो भी काम में आप अनियमित हैं उसमें आप नियमित होने लगेंगे, उसको प्राथमिकता देने लगेंगे। बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध जीवित थे, और एक किसान जो मेहनत करना चाहता था, सफल होना चाहता था, लेकिन अपनी आदतों के कारण, बुरी संगत के कारण वह सफल नहीं हो पा रहा था। ठीक उसके सामने उसके चाचा का बेटा जो दिनों दिन तरक्की कर रहा था, और वह देखता, वह भोर तड़के में जाग जाता, अपने शरीर को कुछ घंटे समय देता, वर्जिश, व्यायाम, दौड़ आदि करता, उसके बाद अपने किसानी के काम में भिड़ जाता, और मेहनत करके वह धीरे धीरे वहाँ का बहुत अमीर किसान बन गया था। और यह किसान चाहते हुए भी कि मैं भी कल से अब यह करूँगा, मैं भी कल से यह सारी चीज़ें करूँगा, चाहते हुए भी जब दूसरे दिन सुबह होती थी तो वह नहीं उठ पाता था। फिर जब वह उठता था देर से, उसके कुछ मित्र आ जाते थे, अब उन मित्रों के साथ में दावत होती थी, कुछ खेल खेले जाते थे, कुछ मनोरंजन की जाती थी, और इन्हीं सब में वह अपना समय व्यतीत कर दिया करता था। वह अपने जीवन से भी दुखी और चिड़चिड़ापन था, क्योंकि जो उसे वांछित था, जो जीवन में उसे चाहिए था, वह मिल नहीं पा रहा था। कई लोगों ने उसे सलाह दी कि पास के गाँव में भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं, वहाँ वे प्रवचन दे रहे हैं, वे लोगों को ध्यान करा रहे हैं, तुम क्यों नहीं उनसे जाकर मिलते, और साक्षात भगवान से तुम अगर आशीर्वाद लेकर आ जाओ, उनसे कोई सीख लेकर आ जाओ, तो हो सकता है तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ जाए। अब किसान यह सोचकर कि शायद भगवान बुद्ध मेरे जीवन को परिवर्तित कर दें, वह भगवान बुद्ध से मिलने जाता है। भगवान बुद्ध के जब जहाँ आश्रम बनाई गई होती है वहाँ जाता है, तो बौद्ध भिक्षु व्यायाम कर रहे होते हैं, कोई ध्यान कर रहा होता है, कोई योगाभ्यास कर रहा होता है, कोई शास्त्र का अध्ययन कर रहा होता है। यह देखकर वह भगवान बुद्ध से मिलने की प्रतीक्षा करता है। भगवान बुद्ध अपने ध्यान आदि से निवृत्त होकर, अपने ध्यान को पूर्ण करके उससे मिलने के लिए आते हैं, और पूछते हैं कि तुम्हारे आने का यह कारण क्या है। तब यह किसान कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जीवन में सफल हूँ, मैं भी मेहनत करना चाहता हूँ, मेरे आसपास के लोग, मेरे परिवार के लोग सफल हो रहे हैं, लेकिन मैं वहीं का वहीं रह जा रहा हूँ, कृपया मुझे मेरा आलस्य दूर कर दें। तब भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं और पूछते हैं कि तुम कैसे जानते हो कि तुम आलस्य कर रहे हो। तब यह कहता है कि मैं हर दिन सुबह उठना चाहता हूँ, मैं सुबह जानता हूँ सुबह उठने के क्या फ़ायदे हैं, सुबह उठकर व्यायाम करने के, बाकी चीज़ों का करने के क्या फ़ायदे हैं, यह जानते हुए भी मैं सुबह नहीं उठ पाता हूँ, और नींद खुलती भी है तो मैं फिर सो जाता हूँ, और उसके बाद का समय मेरा मेरे दोस्तों के साथ में या आमोद प्रमोद में ही बीत जाता है, और मैं जीवन में वह मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि आलस्य एक केवल भावनात्मक स्थिति है, एक मानसिक स्थिति है, जिसके कारण आदमी पीछे रह जाता है, और इसके दो कारण हैं। पहला कारण शारीरिक कारण है। जब आप शरीर के स्तर से आलस होते हैं तब उसकी वजह भी कुछ होती हैं। तब यह किसान पूछता है कि हे प्रभु, वह वजह बताइए जिन वजहों से एक आदमी आलस्य में जा सकता है। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि शारीरिक आलस्य के कई कारण हैं, जिसमें पहला कारण है, और वह है गलत भोजन का चुनाव। अक्सर हम अप्राकृतिक भोजन करते हैं। तुम ऐसे भोजन कर रहे होगे जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं होगी, जो गरिष्ठ होगा, जो अप्राकृतिक होगा, अतः अपने भोजन पर ध्यान दो। तुम प्रकृति से दी हुई भोजन को ही ग्रहण करो जिसमें पोषक तत्व ज़्यादा हों। तब यह इस तरह से लिया हुआ भोजन तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे मन को तंदुरुस्त रखेगा। फिर यह किसान पूछता है कि हे प्रभु, आलस्य के और क्या शारीरिक कारण है।
तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि शारीरिक आलस का दूसरा कारण है और वह है बहुत ज़्यादा भोजन का करना। अगर पौष्टिक भोजन भी अगर तुम बहुत ज़्यादा लोगे, जितनी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और उससे ज़्यादा तुम भोजन में लोगे, तो निश्चित है तुम आलस में आओगे, तुम्हें नींद आएगी, तुम दोपहर में सोने वाले इंसान बन जाओगे। किसी भी अल्प भोजन लेने वाले व्यक्ति को तुम दोपहर में सोता हुआ नहीं पाओगे, या वो व्यक्ति जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी भोजन को ले रहा है उसके शरीर में ऊर्जा भरपूर रहती है, क्योंकि इस तरह का लिया हुआ भोजन ठीक ढंग से पचता है। तब यह किसान पूछता है कि प्रभु, मैं तो भोजन के बारे में समझ गया, क्या और कोई भी शारीरिक कारण है जिसके कारण मनुष्य आलस्य में जा सकता है? तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि बिल्कुल है, और वह है तुम्हारी नींद। हम गलत ढंग से नींद लेते हैं। अगर तुम देर रात तक जगोगे तब तुम सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, और सुबह जो जल्दी नहीं उठता उसके शरीर में आलस रहता ही रहता है, क्योंकि जो सुबह की ब्रह्म मुहूर्त की भोर की जो प्राणवायु होती है वह उससे वंचित रह जाता है। और उस समय में जो हमें अपने शरीर को हिलाना डुलाना है, जो योगाभ्यास कराने हैं, जो ध्यान करानी है, हम वह नहीं कराते और सोते रहते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे दिन भर हमारे शरीर में हमारे मुखमंडल में बना रहता है। तब यह किसान कहता है कि प्रभु, किस तरह, मैं तो चाहता हूँ कि मैं जल्दी उठूँ लेकिन मैं वह उठ नहीं पाता। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि इन बौद्ध भिक्षुओं को जो यहाँ पर आश्रम में हैं, इन्हें ध्यान से देखो, इनके सोने का एक निश्चित समय है, और वे उस समय पर भले उन्हें नींद ना आ रही हो, वे उस समय पर जो निश्चित किया गया है उस समय पर सोने चले जाते हैं और आँख मूंद कर बिस्तर पर अपनी सैया पर पड़े रहते हैं। और जब इस तरह की तुम आदत डालोगे, अपने जीवन में इस तरह का अनुशासन लाओगे, तब तुम जल्दी सोने लग जाओगे, और जल्दी सोओगे तो जल्दी भी उठ जाओगे, जिसके कारण तुम्हारे शरीर में फिर कोई आलस्य नहीं रहेगा। फिर यह किसान फिर पूछता है, हे प्रभु, क्या आलस्य के और कोई भी शारीरिक कारण है? तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि बिल्कुल है, और वह है अनुशासन का ना होना। अपने काम में टाल बटोल करना, जो काम नियत समय पर करनी है उसको वह प्राथमिकता ना देकर दूसरे कामों में उलझ जाना, और जब भी जीवन में अनुशासन नहीं होता है तब जीवन आलस्यपूर्ण ही होता है। कई लोगों को अनुशासन बंधन लगता है। जब गुरु के द्वारा कोई निर्देश दिया जाता है या जीवन में कोई सिद्धांत को उतारा जाता है, कोई सीख को उतारा जाता है, तो कई लोग उसे बंधन समझने लगते हैं कि ये मैं कहाँ फंसा जा रहा हूँ, मैं इस तरह का जीवन नहीं जाना चाहता, मैं आमोद प्रमोद में अपना समय व्यस्त करना चाहता हूँ, मैं मनोरंजन में रंग रेलियों में अपना समय व्यस्त करना चाहता हूँ, ये मुझे कहाँ फंसाया जा रहा है। तब ऐसा व्यक्ति आलस्य में चला जाता है और उसकी कोई उन्नति नहीं हो सकती। अनुशासन बंधन नहीं लाता है, वह एक प्रकार की स्वतंत्रता लाता है। जो व्यक्ति इसे समझ जाता है वह उस अनुशासन में कट्टर हो जाता है, और अनुशासन की कमी भी तुम्हारे शरीर में तुम्हारे मन में आलस्य ला सकती है। तब यह किसान पूछता है कि हे प्रभु, क्या आलस्य के कोई और शारीरिक कारण है? तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि प्राथमिक कारण यही है, इसके कारण कई और कारण होते हैं। शरीर में व्याधि का आना, भोजन का ठीक से ना पचना, नींद की कमी से चेहरे का मुखमंडल उतरा रहना, ऊर्जा की कमी होना, लेकिन इन आदतों को सुधार लिया गया। अर्थात अगर तुम ठीक ढंग से भोजन लेने लगे, जो पचने योग्य भोजन है उसे लेने लगे, प्राकृतिक भोजन लेने लगे, अल्प मात्रा में भोजन लेने लगे, साथ में अपनी नींद पर ध्यान देने लगे, नींद की गुणवत्ता पर ध्यान देने लगे, जल्दी सोने लगे और जल्दी उठने लगे, और अनुशासन भरा जीवन जीने लगे, तब वह तुम्हारे शरीर के जो शारीरिक आलस्य के कारण है उसे मिटा दे सकता है। तब यह किसान पूछता है कि प्रभु, यह तो हुई शारीरिक कारण, क्या कोई मानसिक कारण भी है जिसके कारण हमारे शरीर में आलस्य आता है? तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि बिल्कुल है, और उन मानसिक कारणों में सबसे बड़ा कारण है वह है आत्मविश्वास की कमी। जब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास की कमी होगी कि मैं यह कैसे कर पाऊँगा, मैं यह कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, यह मुझसे होगा या नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी अनुशासित नहीं हो पाते और उनके शरीर में आलस्य आ जाता है, क्योंकि वे तथाकथित वर्तमान में जीने लगते हैं, जो है उसमें खुश होने लगते हैं, वे दूर की नहीं सोच पाते हैं, वे दूरगामी नहीं हो सकते हैं, वे दूर के परिणाम को नहीं सोच सकते हैं, और यह आत्मविश्वास की कमी उनके भीतर आलस्य ला सकती है, क्योंकि जो उनकी क्षमता होती है वे उस अनुरूप व्यवहार नहीं करते। वे आत्मविश्वास की कमी के कारण दबे दबे से, संकुचित से, फिर उनके आसपास के जो ऐसे बुरे लोग हैं वे उनका शोषण करने लगते हैं, उन्हें अपने अनुसार चलाने लगते हैं। तब
अगर तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास है, लंबी गहरी सांस भर कर अगर तुम अपने से खुद कहते हो कि मैं यह कर सकता हूँ, मैं कल से यह कर सकता हूँ, मैं आज से यह कर सकता हूँ, तब वह तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। तब किसान पूछता है कि हे प्रभु, क्या और भी कोई मानसिक कारण है? तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि बिल्कुल है, और वह है हमारी गलत धारणा। जीवन में हम कुछ गलतियां कर जाते हैं, गलती हर किसी से होती है, लेकिन मूर्ख वह है, बेवकूफ वह है जो अपनी गलतियों में सुधार नहीं करता और वही गलतियां फिर से करता रहता है। तो इन गलतियों के कारण हमारे भीतर गलत धारणा पैदा हो जाती हैं और वह हमारे आत्मविश्वास को कम करने लगती हैं। अगर इन गलत धारणाओं से उपजा जाए, तब यह किसान पूछता है कि यह कैसे उपजा जाए, इससे कैसे उभरा जाए? तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक सद्गुरु वहां से तुम्हें निकाल सकता है, एक अच्छी पुस्तक, अच्छा धर्म ग्रंथ तुम्हें वहां से बाहर निकाल सकता है, तुम्हारी गलत धारणाओं को तोड़ सकता है और सच्ची धारणा, सत्य धारणा, शाश्वत धारणा तुम्हारे भीतर प्रविष्ट करा सकता है। तब एक गुरु का साथ अगर मिल जाए तो वह तुम्हारी पुरानी गलत धारणाओं को तोड़ सकता है, नई धारणाओं को तुम्हारे भीतर ला सकता है, और इससे तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और तुम्हारे जीवन में चमत्कारी परिणाम आने लगते हैं। अब यह किसान फिर पूछता है कि क्या और भी कोई मानसिक कारण है प्रभु, जिसके कारण हमें आलस्य आता है या हम अनियमित हो सकते हैं? तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि बिल्कुल है, और यह ऐसी एक आदत है जो बहुत गुणवान व्यक्ति को भी धरातल पर ला सकती है, उसे असफल बना सकती है, और वह है गलत व्यक्ति की संगत। जब हम ऐसे व्यक्तियों के साथ रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ बातचीत करते हैं जो बुरे हैं, जिनके भीतर आलस्य है, जिनके भीतर गलत आदतें हैं, तो चाहे ना अनचाहे उनके शरीर की ऊर्जा हमारे शरीर के भीतर आने लगती है और हम उनके जैसे बनने जाते हैं, उनकी आदतों को अपने भीतर प्रविष्ट करने लगते हैं, ना चाहते हुए भी, अनजाने में भी, और हमें पता भी नहीं चलता कि उनकी आदतें अब हमारी आदतें बन गई हैं। तब किसान पूछता है कि तो इसका उपाय क्या है? तब क्योंकि मेरे मित्र तो सब वैसे ही हैं जो आमोद प्रमोद में व्यस्त रहते हैं, जो रंग रैलियां मनाना चाहते हैं, जो शराब में धुत रहते हैं। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की संगत, ऐसे व्यक्ति के साथ तो बात करना भी बुरा है, ऐसे व्यक्ति का स्पर्श भी मना है। तब उसका उपाय यही है कि तुम अपनी संगत बदल दो। जब तुम्हारे मुख का स्वाद बदल जाए और अच्छी चीजें तुम्हें अच्छी लगने लगे, तब जो बुरी चीजें हैं उसकी ओर तुम आकर्षित नहीं हो सकते। तब जो जीवन में अच्छा है, जो शाश्वत है, जिसके कारण तुम जीवन में उन्नति कर सको, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ सके, वैसी चीज की संगत कर सको, तब तुम्हें एक नया स्वाद मिल जाएगा, और जो बुरी संगत है, बुरी चीजें हैं, बुरा स्वाद है, वह अपने आप छूटता चला जाएगा। इसके साथ ही इस संगत के कारण लोगों में काम को टालने की भी आदत आ जाती है। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं कि लोग काम को टालते हैं, जो काम आज करना जो उनके लिए प्राथमिकता है, जैसे तुम्हें मालूम है कि सुबह उठना बहुत जरूरी है, व्यायाम, योग आदि, ध्यान आदि करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम नहीं करते, क्योंकि तुम दूर का नहीं सोच पा रहे हो और तुम टालते जाते हो कि कल से करूँगा, परसों से करूँगा, क्योंकि तुम्हें दूर का परिणाम नहीं मालूम है। तुम्हें नहीं मालूम है कि किसी शरीर में रोग आने पे उसका कष्ट क्या होता है। तुम अपने आसपास के लोगों को बीमार होते हुए देखकर भी कुछ नहीं सीखते। बुद्धिमान वह है जो दूसरों की गलतियों से भी सीखे और अपने भीतर सुधार लाए। तो इस तरह की काम टालने की आदत भी तुम्हारे भीतर आलस्य ला सकती है और तुम्हें अनियमित बना सकती है। भगवान बुद्ध आगे फिर कहते हैं कि अच्छी संगत होना बहुत जरूरी है। अच्छी संगत होते हुए भी जो व्यक्ति गुणी नहीं है वह भी सफल हो जाता है। जो व्यक्ति जिसके भीतर कोई गुण नहीं है लेकिन वह अपनी बस संगत अच्छी रख ले, वह जीवन में धीरे धीरे सफल होता चला जाता है, क्योंकि उसके भीतर उस अच्छी संगत के कारण अच्छे गुण आने लगते हैं। अब आगे किसान पूछता है कि क्या प्रभु कोई और भी मानसिक कारण है जिसके कारण हम आलस्य में आते हैं या हम अनियमित होते हैं? तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक प्रमुख कारण है, और वह है हमारे लक्ष्य का, हमारे उद्देश्य का स्पष्ट न होना, या जीवन में भक्ति व प्रेम का अभाव होना। जब हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, जब हम बेवजह या जिंदगी जी रहे होते हैं, या जो उपलब्ध साधन है उसी में खुश रहते हैं, तब हम अपने उद्देश्य को समझ नहीं पाते, उसके प्रति गंभीर नहीं हो पाते, और जिसके कारण हम जो वर्तमान है उसी के मजे लेने लगते हैं। साथ में अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम का अभाव है, तुम्हारे जीवन में भक्ति का अभाव है, तब तुम ऊंचे उद्देश्य को नहीं पा सकते। जब तुम्हारे जीवन में प्रेम होता है, जब तुम्हारे जीवन में
भक्ति होती है या इस तरह की उच्च भावना होती है, तब तुम जीवन में असफल नहीं हो सकते। और जीवन में सफल होने के लिए प्रेम का होना, भक्ति का होना या ऐसे उच्च भाव का होना बहुत ही जरूरी है। इतना सब कुछ सुनने के बाद किसान की आंखें खुल जाती हैं और वह भगवान बुद्ध के चरणों पर गिरकर उनसे बोलता है कि भगवान बुद्ध, मेरी आंखें खोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब कोशिश नहीं, मैं आपसे वादा करता हूँ कि कल से मेरा एक नया जीवन होगा। तब भगवान बुद्ध हंसते हैं और कहते हैं कि तुम एक बार और टाल रहे हो, कल से नहीं, आज से, अभी से। तब यह किसान पूछता है कि किस तरह मैं शुरुआत करूं, क्या खाने से, सोने से या अन्य चीजों से, ध्यान से, साधना से, प्रेम से। तब भगवान बुद्ध कहते हैं अभी से। वर्तमान में जीने का मतलब होता है अभी, अभी का चुनाव, जो तुम अभी अच्छा कर सकते हो वह करो। तो तुम्हारी जब यह आदत हो जाएगी, वर्तमान में ठीक ढंग से जीने की आदत हो जाएगी, तब उस तुम वर्तमान में गलत का चुनाव नहीं करोगे। जब तुम्हारे मित्र आएंगे, तुम्हें रंगरेलियों की ओर ले जाएंगे, तुम्हें आमोद प्रमोद की ओर ले जाएंगे, तब तुम उन्हें मना कर पाओगे। और यह वर्तमान में आना ही तुम्हें एक नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा, तुम्हारे सारे आलस्य को दूर कर देगा। तो कल से नहीं, आज से और अभी से प्रारंभ करो जो तुम्हारे लिए अभी अच्छा है। मेरे इन बौद्ध भिक्षुओं को देखो, इनके चलने को देखो, इनके उठने को देखो, इनके बैठने को देखो, इनके रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, वे चपल हैं, वे चंचल हैं, किस तरह फुर्ती से काम करते हैं। और जब यह विश्राम करते हैं, तब इनके विश्राम की भी अवस्था को देखो, तब तुम समझोगे कि यह वर्तमान में जीते हैं और वर्तमान में जो अच्छा है वही करते हैं। किसान फिर से एक बार और ज्ञान पाकर उनके चरणों पर पूरी तरह से नतमस्तक हो जाता है और वहां से एक नई ऊर्जा लेकर अपने नए जीवन का प्रारंभ करता है। और दोस्तों, यह कहानी, जो कहानी में ही सीख है, आपको अलग से सीख देने की जरूरत नहीं है। इस कहानी के सार को अपने जीवन में आपने उतार लिया तो आप आलस्य में कभी नहीं जाएंगे, आप अनियमित कभी नहीं हो सकते, क्योंकि आप दूर का नहीं सोचते हैं, आप अभी का मजा लेने लगते हैं। उस कीचड़ में जिस तरह सुअर एक कीचड़ में लेकर मजे ले रहा होता है, ठीक मजा आप ले रहे होते हैं दूर का अगर सोचेंगे, क्योंकि आपका यह शरीर है, यह रोगमय होगा, इसके शरीर में बहुत कुछ आएंगे। और आप जब अपनी सफलता के लिए नियमित नहीं होंगे, आलस्य में चले जाएंगे, तो वह सफलता भी दूर होगी, आपके व्यवहार में चिड़चिड़ाहट आएगी, क्रोध आएगी और तमाम तरह की व्याधियां से आप ग्रस्त होने लगेंगे। तो इस कहानी से और कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, बस अब जरूरत है अमल करने की, क्योंकि लोग अमल नहीं करते जिसके कारण वे जीवन में कुछ कर नहीं पाते। तो इस कहानी के सार को अमल करिए और अपने आलस्य को दूर मिटाइए और अनियमित होने से बचे रहिए।